नमस्कार, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर पढ़ेंगे क्लास सिक्स का अध्याय दो, राजनीतिक शास्त्र का ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। आपको बता दें तो क्लास जो कि सिक्स का जो अध्याय दो, हम पहले ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप जो इसका बुक पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो कि ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप का जो कि नोट्स हम आपको बोले हुए थे, जितने भी हम जो कि चैप्टर वाइज सभी को पढ़ाते जाते हैं, उसके साथ साथ अलग से नोट्स जो कि हम देते चलते हैं। और इसका जो कि लास्ट में हम MCQS भी करेंगे, जो कि आपके बिहार एग्जाम, जितने भी बिहार में एग्जाम होता है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो बुक हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये बुक जो BTBC का है, मतलब SCERT जो बुक है, SCERT, इसी को बोलते हैं BTBC, मतलब बिहार बोर्ड का ये बुक है। और ये बुक जो कि BPSC, जितने BPSC का चाहे PG वाला एग्जाम हो, या BPSC TRE वाला जो एग्जाम हो, या बिहार SSC की एग्जाम कर ले या बात करें, या बिहार पुलिस की बात करें, अन्य जो कि जितने भी एग्जाम होता है बिहार के लिए, वो सभी के लिए ये जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है। NCERT और SCERT में एक ही जो कि अंतर है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो NCERT बुक पढ़िएगा तो वह सेंट्रल लेवल पर रहता है, और ये SCERT बुक पढ़िएगा तो स्पेशल बिहार को जो कि कवर किया रहता है, और बहुत बेस्ट बुक है। तो बात करें हम, चलिए इस वीडियो में जो कि हम इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो कि ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप पे नोट्स हम बहुत अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं। और जो कि चैप्टर टू आप देखना चाहते हैं तो अलग से प्ले लिस्ट इसका बना हुआ है, आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और फ्री इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम जो चैनल बना हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। लिंक आपका जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप, जो कि क्लास सिक्स। भारत जो कि गाँवों का देश है, भारत में क्यों लगभग जो है 70% जो है, यहाँ भारत में जो कि गांव है। तो हमें बात करें, मतलब तो हमें यहाँ पर सरकार के ध्यान देने की ज़रूरत है कि सबसे पहले यहाँ जो जो गवर्नमेंट है, यहाँ हमारे गवर्नमेंट, ये गांव को लेकर जो बहुत कम लेकर चलते हैं। क्योंकि देखिए, गांव का विकास होगा तभी शहर का विकास होगा। तो हम जो कि अदर बात हम नहीं करेंगे, यहाँ बात करें गाँव का, भारत गाँव का देश है। यहाँ लगभग जो 6 लाख से भी अधिक गाँव है। कितने हैं गाँव? लगभग 6 लाख से अधिक गांव है, मतलब 70% तक जो है ये गांव है भारत में। अब इसी में बात करें जो हम किसान के, क्योंकि ग्रामीण जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं, गांवों में जो जीवन यापन किस प्रकार से होता है, तो गांवों में जो जीवन यापन का, जो जीवन यापन मतलब जो गुजारा करने का, अपने परिवार चलाने का साधन तो किसान ही, मतलब जो है, मतलब बहुत सारे जो हम आपको पूरे बुक में पढ़ा दिए हैं, ज्यादा हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। बात करें इसमें मध्यम किसान की बात करें तो हम किसान में बहुत सारे मध्यम किसान, सीमांत किसान, बड़ा किसान, ये सब पढ़े हुए थे। तो मध्यम जो किसान है, उसके पास 5 एकड़ जमीन होती है। कितने एकड़ जमीन होते हैं? तो 5 एकड़ जमीन होते हैं। ये साल में 2 फसलों को उगाता है। कितने? 2 फसलों को उगाता है। यहाँ पर देख रहे हैं बरसात के समय में जो है, पहला फसल की बात करें, एक तो बरसात के समय में धान, और दूसरा जो ठंडा में जो गेहूं, चने व दलहनी फसलें को उपजाता है, 2 फसलें को उपजाता है। और बात करें ये 5 एकड़ जमीन जो कि मध्यम किसान के पास रहते हैं, हम ललन के बारे में जो पढ़े हुए थे, क्योंकि वह मध्यम किसान थे। तो बात करें 1 हेक्टेयर जो जमीन की बात करिए, वह 2.5 एकड़ जमीन के बराबर होता है, मतलब 2 हेक्टेयर जो मध्यम किसान के पास जमीन होते हैं। अब बात करते हैं सीमांत किसान के पास, सीमांत किसान जो इनके पास जो है 1 एकड़ जमीन होते हैं। कितने? तो 1 एकड़ जमीन जो सीमांत किसान के पास होते हैं। वही बात करें बड़ा किसान की बात करें, बड़ा किसान जिसके पास 30 से 40 एकड़ जमीन होती है। कितने जमीन होते हैं बड़ा किसान के पास? 30 से 40 एकड़ जमीन। बड़े किसान को जो कि कहीं भी लोन लेने की आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन मध्यम वर्ग के पास लोन लेने की जरूरत पड़ जाता है, और इसको भी उस हिसाब से लोन नहीं मिल पाता है। लेकिन सीमांत किसान जो इसको जो कहीं ना कहीं ब्याज लेने, बहुत महंगे दर पर ब्याज लेने की जरूरत पड़ जाता है गाँव में ही, लेकिन इसको लोन जो है, क्योंकि जो छोटे किसान होते हैं, जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं, उसको तो लोन भी नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि जो लोन सभी मिलता है वह बड़े परिवार को ही, बड़े अमीर लोगों के ही मिल जो कि मिलता है। तो वही बात है यहाँ पे किसान के ऊपर भी।
तो यहाँ पर ये बड़ा जो किसान होते हैं ये आधुनिक तरीके से खेती करता है, लेकिन जो मध्यम किसान है वह थोड़ा बहुत जो आधुनिक तरीके से खेती करता है। बात करें सीमांत किसान की बात करें तो ये आधुनिक जो तरीके से खेती करने के पास इनके पास पैसे नहीं होते हैं, खाद मुश्किल से वह जुगाड़ कर पाते हैं खाद के लिए। और बात करें तो इनके पास तो एक तो कम जमीन है, कम उपज होता है, तो ये जो है वह ये क्या कहते हैं, कोई भी फसल जो है उगता है तो उसको बेचकर वह जो भी कर्ज लिया रहता है उसको सधाता है। उसके बाद जो है वह सालों भर उस घर कैसे चलाएगा, सालों भर घर चलाने के लिए वह अन्य कामों पर फिर निर्भर रह जाता है। जैसे बात करें गाँव में घर में कोई ना कोई जैसे सब्जी बेचना, अन्य कोई कार्य करने लग जाता है सीमांत किसान। अब चलते हैं जो बड़ा किसान जो है 30 से 40 एकड़ जमीन होते हैं और कम से कम वह उसके पास 15 एकड़ जमीन होते हैं। अब बात करें तो यहाँ पे जो बड़े किसान होते हैं उनके पास जो होते हैं दो या दो से अधिक जो है जो मजदूर होते हैं वह सालों भर के लिए होते हैं, उसी को क्या कहते हैं हलवा, आपके बुक में जो दिया हुआ है। अब बात करें कृषक मजदूर की बात करें जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं होते हैं, इनके पास जमीन नहीं होते, वह दूसरे के यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, दूसरे के यहाँ जो कि मजदूरी करते हैं, कहीं कहीं कभी कभी तो इसको शहर से बाहर भी जाना पड़ जाता है। जैसे बात करें वही कृषक मजदूर की बात करें तो जमीन नहीं होते हैं, वह कृषक मजदूर कहलाते हैं। अब बात करें जो गैर कृषि कार्य की बात करें, गैर कृषि कार्य जैसे जो कृषि कार्य से हट के अलग, तो गैर कृषि कार्य में जैसे टोकरी बनाना हो गया, मिट्टी के बर्तन बनाना हो गया, ईंट बनाना, झाड़ू बनाना, सूप, पंखा, चटाई आदि इत्यादि बनाना। इसी बात करें हस्तशिल्प जैसे हाथ से जो भी कार्य किया जाता है, सिलाई का काम, जरी गोटा का जैसे साड़ी पर जरी लगाने का काम, जरी गोटा लगाने का काम, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, राजमिस्त्री, दर्जी, अन्य काम, ये कार्य जो सभी कार्य जो है गैर कृषि कार्य कहलाता है। अब बात करें तो ये हम आपको बताए हुए थे कि जो आपके बुक में ही दिया हुआ था जो प्रमुख फसल के प्रकार, लेकिन वह डिटेल पूर्वक नहीं दिया हुआ था, लेकिन हम यहाँ जो डिटेल हम ये अलग से हम आपके लिए तैयार किए हुए हैं। तो भारत में जितने भी हम ब्लैक वाला जो कि पढ़े हैं ऊपर में, तो ये जितने भी जो ब्लैक बॉक्स में पढ़े हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है, ये आपके बुक में दिया हुआ है, ये हम अलग से आपके लिए लाए हैं। तो भारत के प्रमुख फसलों की बात करें तो जो बात करें फसल, तो भारत में मौसम के आधार पर 3 प्रकार के फसल होते हैं। एक होते हैं जो कि खरीफ फसल, दूसरा होता है रबी और तीसरा होता है जायद फसल। तो बात करें पहला जो है, पहला जो इसका टाइप है खरीफ, तो खरीफ फसल की बात करें तो जो खरीफ फसल है ये भारत में मानसून की फसल के रूप में जाना जाता है। मानसून जो बारिश होता है तो उस समय जो खरीफ फसल जो कि उपजाया जाता है, यानी आमतौर पर जो जुलाई में मौसम जो कि जुलाई में स्टार्ट हो जाता है, मतलब जून के लास्ट जुलाई में ये स्टार्ट हो जाता है। तो जुलाई की में बारिश जो शुरू होते ही या जो है खरीफ फसल स्टार्ट हो जाता है, दक्षिण पश्चिम जो मानसून के मौसम में बोया जाता है, मतलब जो तमिलनाडु से जो उस समय बारिश स्टार्ट होता है तो उसी समय जो ये फसल उपजाया जाता है। तो ये मानसून में होने वाले मतलब बरसात में होने वाले फसल को खरीफ फसल कहते हैं। गुजरात जो है उस समय, क्योंकि गुजरात है वह भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। कपास देखिए महाराष्ट्र भी रहता का आप पढ़े होंगे बुक में, जो कि आप क्लास 9th का बुक पढ़िए, क्लास 10th बुक पढ़िएगा तो वहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में, क्योंकि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। गुजरात भी है तो आपके बुक में जो है गुजरात भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है, लेकिन महाराष्ट्र याद रख लेंगे, कपास जो गुजरात बाद में है, पहले महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। उसके बाद बात करें भारत में जो प्रमुख खरीफ फसल की बात करें, जैसे बाजरा, कपास, सोयाबीन, गन्ना, ये सभी बारिश में बरसात में जो होता है, हल्दी, चावल, मक्का, दाल, मूंगफली इत्यादि, ये सभी जो है याद रखें खरीफ फसल ही हमेशा एग्जाम में आता है फसल के टाइप में से। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो ये पश्चिम बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, भारत के अन्य जो भारत के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य हैं, ये सभी जो बताए हैं चावल उत्पादक राज्य हैं, इन सब में सभी जगह बहुत चावल होता है, बिहार भी है। तो और बात करें दूसरा फसल की बात करें तो ये दूसरा फसल जो है रबी फसल की बात करें
तो रबी फसलें की बात करें तो रबी की फसलों को सर्दियों की फसल या वसंत की फसल के रूप में भी जाना जाता है। ये सर्दी में होता है ना, उसी में उसी को बोलता है वसंत में जो फसल होता है उसको रबी फसल कहते हैं। ये जो बीज है इसका अक्टूबर के आखिरी महीने में मतलब अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और मार्च से लेकर अप्रैल की बात करें उसके बीच में उसको कटाई कर लिया जाता है। या फसल जो या खरीफ फसलों की बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि वह बरसात में होता है, गर्मी के समय में होता है, लेकिन ये फसल जो है ये जो कि ठंडी में होता है। भारत की में मुख्य जो है रबी फसलों में से बात करें तो गेहूं, जौ, सरसों की बात करें, तिल, मटर इत्यादि जो है ये खरीफ फसल है। ये आमतौर पर जो है शुष्क जो ठंडे वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ उपजाया जाता है। तीसरा फसल की बात करें तो तीसरा फसल है जो कि जायद जायद फसल है। जायद फसल की बात करें तो जायद की फसलें देश के बहुत कम हिस्सों में उपजाया जाता है मतलब होता है। ये जो है गर्मी स्टार्ट होते ही अब बारिश से पहले जो है स्टार्ट हो जाता है, मतलब इनकी कटाई जो है मार्च जून तक कर ली जाती है। जायद की फसलें की बात करें जैसे जो खरबूजा, इसमें कम समय देना पड़ता है। खरबूजा, तरबूजा, जो कुकर बीटेसी की बात करें, ये सभी जो है जैसे सब्जियां की बात करें जैसे करेला, कद्दू, तुरई, ये सभी जो है जायद फसल है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक चीज और आपको बता दें, बिहार स्पेशल पढ़िएगा तो यहाँ पे बिहार की बात करें तो बिहार में फसल सहचार्य की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में जो है पहले धान, गेहूं, गन्ना। प्रदेश की बात करें तीन जिलों में सबसे अधिक होता है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज। धान, गेहूं, मक्का यहाँ बात करें तो ये सभी जो है बिहार स्पेशल है। इसको हम स्पेशल क्लास में आपको डिस्कस कर देंगे। इसका पीडीएफ भी हम अपने जो है टेलीग्राम पर डाल देते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये पीडीएफ है, देख रहे हैं, इस पे पीडीएफ के माध्यम से बताया गया है कि कहाँ कौन सा जो जिले में सबसे अधिक फसल होता है उसके बारे में दिया गया है, जो कि 2000 से 2001 तक के जो डेटा लिया गया है इसमें। तो ये सभी हम पीडीएफ इस पे अपलोड कर देंगे। तो ये जो क्लास आपको रहा ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम जो देख रहे हैं, टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। पर्सनली बात हमसे कोई भी डिस्कस, कोई भी रिलेटेड जो टॉपिक से रिलेटेड आप यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।